विद्या का टीचर्स डे। स्पेशल गेस्ट बना निक का रुद्र। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। भाई बच्चों के लिए बहुत ही खास होता है टीचर्स डे, और ऐसा ही कुछ हो रहा है अभिनेत्री और चाइल्ड आर्टिस्ट नित्या के साथ, जो आज अपने स्कूल पहुंची और टीचर्स के साथ मनाया ये खास दिन। ऐसे यहाँ पर कार्टून की निक टीवी की दुनिया से रुद्र भी आए हैं और रुद्र भी इस टीचर्स डे का हिस्सा बने, तो देखते हैं नित्या का ये टीचर्स डे सेलिब्रेशन। तो आज जैसे आज टीचर्स डे है, तो आज मैं अपने ओजी इन्फ्लुएंसर्स के साथ टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रही हूँ, जो कि है मेरे टीचर्स, और मैंने उनके लिए कार्ड्स भी बनाए हैं, तो आई होप कि उनको अच्छा लगे। तो चलो अब चलते हैं। हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा सर, हैप्पी टीचर्स डे। नित्या ने हमें इतना सुंदर कार्ड 3 दिन मेहनत करके बना के दिया है, तो हमने भी उसके लिए एक सरप्राइज रखा है। यस एंड धीरे से अभी आपको आंखें खोलनी है। रुद्रा द प्रिंस ऑफ मैजिक, हाय। बहुत अच्छा, ही इज जस्ट 9 years old और उसको प्रिंस ऑफ मैजिक बोलते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव हिम हियर। I'm so happy क्योंकि ये मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है और मैं आज मैं उससे मिली हूँ। नित्या के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने उसको शायद 3rd standard से पढ़ाया है हिंदी, और वो शुरू से ही बहुत शांत और सरल स्वभाव की लड़की है, हमेशा हंसती रहती है और खुश है, खुश रहती है। थैंक यू मैम। नित्या बहुत टैलेंटेड गर्ल है, उसके पास बहुत हुनर है, जितनी वो पढ़ाई में भी अच्छी है उतनी ही स्पोर्ट्स में भी है, वो मल्टीटास्क्ड है। नित्या इज़ अ सॉफ्ट स्पोकन एंड वेल बिहेव चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और मुझे याद है कि उसके जन्मदिन पर पिछले साल सब बच्चे जब गाना गा रहे थे तब हम दोनों ने एक साथ डांस किया था, और इसने मुझे कुछ स्टेप्स भी सिखाए थे डांस के, सो दैट टाइम आई रियलाइज के आई शुड ज्वाइन डांस क्लासेस ऑल्सो। देन व्हेन आई रिक्वेस्टेड हर, जब मैंने इससे दरख्वास्त की कि आप गाना गाएंगी, तो इसने बहुत ही सुंदर सा एक प्यारा सा गाना गाया, और उसने मुझे कहा ये गाना मैं भगवान जी के लिए गा रही हूँ, तो मैं उससे अभी दरख्वास्त करूँगी क्या वो गाना, सेम गाना वो आज भी गाएगी हमारे लिए। हाँ मैम ज़रूर। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज़ गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हाँ थैंक यू। बहुत ही अच्छे से गाया नित्या तुमने, और उस दिन मुझे पता चला कि इसकी आवाज़ भी कितनी सुरीली है और इसके सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं। शी इज़ वेरी एम्बिशियस, और मुझे पूरा यकीन है कि चंद्रयान 3 की तरह यह आसमान की बुलंदियों को छुएगी और अपने स्कूल और देश का नाम यकीनन रोशन करेगी। शी वॉज अ बेबी लाइक जूनियर के जी, मैं उसकी क्लास टीचर 3 या 4 साल रही हूँ, 4 years, एंड एवरी ईयर हर साल मैंने देखा है दिस लिटिल बर्ड वॉज जस्ट ब्लूमिंग लाइक अ फ्लावर, यू नो लाइक मैजिक। हाउ यू हैव रुद्रा? यस,
सो देर इज़ मैजिक इन दिस लिटिल गर्ल, यू नो, एंड आई कैन कॉल हर लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाका. सो आई जस्ट थॉट, तब भी मुझे लगा कि दिस गर्ल इज जस्ट गोना डू समथिंग रियली रियली बिग. एंड मुझे एक चीज़ बोलना है, भले शी नोज एवरीथिंग, शी नोज शी इज़ गुड इन स्टडीज, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, एवरीथिंग, बट इफ़ यू डोंट नो वन थिंग, शी इज़ वेरी मच रूटेड टू कल्चर, यू नो. उसको कितने सारे श्लोकाज आते हैं ऑफ भगवद गीता, यू नो, विच वी ऑल शुड लर्न लाइक द यूथ. सो इट्स रियली इंस्पायरिंग, शी रियली इंस्पायर्स एवरी वन. एंड आई कैन रिक्वेस्ट हर इफ शी कैन टेल एनी वन श्लोका फ्रॉम द भगवद गीता, सो दैट यू नो इवन मोदी जी इफ ही इज वॉचिंग ही विल बी सो प्राउड ऑफ यू दैट यू नो वन श्लोका फ्रॉम द भगवद गीता. सो फ्रॉम भगवद गीता, दिस इज चैप्टर 2 टेक्स्ट 47. कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो स्वकर्मणि. एंड इट्स ट्रांसलेशन इज, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन. Never consider yourself the cause of the result of your activities and never be attached to not doing your duty. इवन इसकी शूटिंग होती थी हमेशा क्लास में, लेकिन इसका बाकी बच्चों का काम कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन नित्या का काम हमेशा कंप्लीट रहता था और बहुत अच्छे से. सो यस, वी आर रियली प्राउड ऑफ हर. मैं ये बात ऐड करूँगी कि सिर्फ इसके साथ नहीं, जब भी किसी का बर्थडे होता है क्लास में, आई डांस विद दैट चाइल्ड. वो बच्चे को इतना अच्छा लगता है, दैट इज़ पर्सनल टच दैट द टीचर इज़ गिविंग टू द चाइल्ड. So they just wait when the teacher is going to come and dance with us. The entire class is singing and two of us, like I'm dancing with that child. So ho jaye ek step, why not? फिर इसको ओपन करेंगे तो फिर यहाँ पे ये बोर्ड है, स्कूल बोर्ड जिस पे मैंने लिखा हुआ है, और फिर ये हिंदी की किताबें हैं. मैंने हिंदी की किताब बनाई है जिस पे लिखा है एक बार एक राजा होता है. ओह, तो ये राजा बनाया है, वेरी नाइस. फिर ये जैसे कि आप शाइन करते हो वैसे. अच्छा, बल्कि आप शाइन कर रहे हो. थैंक यू. और फिर ये हमारे लास्ट ईयर का चैप्टर, हाँ, पटाखों से तौबा. तो अभी आपने पटाखे बनाए, उसका चलाना बंद कर दिया है ना? हाँ. अच्छा, ये चैप्टर पढ़ने के बाद. हाँ, वेरी गुड. So happy Teachers Day, Gaurpriya ma'am. And since you teach us AVHC, मैंने एक श्लोका लिखा है और फिर ये मैंने अपने तरफ से आपके लिए लिखा है. Yes. And every year you give me cards which I love. And every card has thank you for being a kind teacher. I think till now all of them. Yes. And that time when you were small, shy, yeah, used to give me more cards as well. And now it's a... Thank you so much. Welcome, ma'am. Happy Teacher's Day once again. तो हैप्पी टीचर्स डे जसविंदर मैम. फिर आप हमें इंग्लिश पढ़ाते हो, इसीलिए इंग्लिश की बुक. मैं कुछ पूछूं? हाँ. इसमें इंग्लिश तो लिखा है, पर लास्ट ईयर मैंने आपको SSB पढ़ाया है. हमेशा वी होता है, वी डब्ल्यू इज ऑल्सो करेक्ट, बट आपकी टीचर हमेशा वी यूज करती है. ठीक है. ओके. एंड देयर आर हार्ट्स इन दिस, 1, 2, 3, 4. आपने दिल तो मुझे ही दे दिया. हम दिल दे चुके सनम.
तो मैं ये कार्ड बहुत ही संभाल के रखूँगी, बहुत ही प्यारा कार्ड है क्योंकि इसमें आपकी मेहनत दिखती है कि आपने इसको बहुत प्यार से बनाया, बहुत एफर्ट्स लिया है। और एक सजेशन है, एक एडवाइस है आपके टीचर की तरफ से आपके लिए कि आपके ग्रेड्स तो हमेशा ही अच्छे आए हैं। यस, यू हैव ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल, बट ये है कि थोड़ा आप शाय हो जाते हो, यू गो इन टू योर शेल, यस, एंड यू ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न। तो आपको हाथ ऊपर उठाना है क्लास में, जो भी सवाल आपको पूछने, बेझिझक पूछने, सो दैट क्यूरियोसिटी इज़ देयर इन यू। आप पूछना चाहते हो पर आप थोड़ा सा डरते हो, बराबर बोल रही हो? यस ऑर नो? अच्छा, तो इसने ये बात मान ली है। तो अगली बार आप मुझे सवाल पूछोगे ना क्लास में, जो भी डाउट हो क्लियर इट, ओके? आई लव यू मैम। ओ, वो हार्ट तो दे ही दिए ना, तो लव तो होना ही है। आई लव यू टू एंड वी आर ब्लेस्ड एंड रियली सच अ चाइल्ड दैट वी हैव इन आर स्कूल एंड इन आर क्लास। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू एज अ टीचर। माय गॉड। तो भाई नित्या की तरह पूरे विश्व के स्कूल्स ने अपना टीचर्स डे मनाया और यहाँ पर रुद्र ने आकर इस टीचर्स डे को बना दिया खास। स्कूल वाले भी खुश, बच्चे भी खुश, और ये सब आपके लिए लेकर आया सास बहू और बेटिया। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर हमारी तरफ से आपको जन्माष्टमी के इस त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। और आपको तो पता है ना कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।